निर्दयी दास का खीसा। एक दिन पतरस यीशु से पूछले, हे स्वामी, हमके अपनी भाई के कितना बार क्षमा करे के चाही? जब वो हमारी विरुद्ध पाप करिए तो का 7 बार? यीशु कहले, 7 बार नहीं, लेकिन 70 बार। एकरी द्वारा यीशु को ई मतलब बाकी हमनी के हमेशा क्षमा करे के चाही। तब यीशु ई खीसा बतैले। यीशु कहले कि परमेश्वर का राज एगो राजा के समान बा, जेवन की अपने दास से लेखा लेखल चाहत रहले। उनकर एगो दास 2 लाख बरिस का मजदूरी का एगो बढ़ियार कर्जा का कर्जदार रहले, लेकिन उ दास अपनी कर्जा के चुका ना पैले। यही से राजा कहले कि इनकर कर्जा चुकावे के खातिर ई आदमी के औरी एकरी परिवार के दास के रूप में बेच दा। उ दास अपनी राजा की आगे घुटना पर गिर के कहले, कृपा हमारी पर दया करो औरी हम अपन कर्जा के पूरा रकम के दे देई। राजा दास के ऊपर दया कैले, यही से उनकरी कुल कर्जा के क्षमा क दिहले और उनके जाए दिहले। लेकिन जब उ दास राजा के पास से बाहर गईले तो उनके उनकर एगो साथी दास मिलले, जीवन की उनकर 4 महीना की मजदूरी का कर्जदार रहले। उ दास अपने साथी दास के पकड़ लिहले और कहले, जेवन तुम्हारी पर हमार कर्जा है, हमके उ देदा। उ साथी दास घुटना पर गिर के कहले, कृपया हमारी ऊपर दया कर और हम अपन कर्जा का रकम दे देईब। लेकिन एकरी बदले उ दास अपनी साथी दास के जेल में डाल दिहलन, जबले कि उनका कर्जा ना दीहें। जेवन कुछ भइल रहे ओके कुछ दूसर दास दिखले और उ लोग बहुते परेशान भइले। उ लोग राजा के पास गईले और उनके सब कुछ बता दिहले। राजा वो दास के बुला के कहले कि हे दुष्ट दास, हम तुहार कर्जा के यही से क्षमा कैनी ह, काहे से कि तू हमसे विनती करुआ, तोहके भी वैसने ही करे के चाहत रहल ह। राजा इतना खिसियाइल रहले कि वो दुष्ट दास के जेल में डाल दिहले कि जबले उ आपन कुल कर्जा के ना चुका ले। तब यीशु कहले कि हमार स्वर्ग में विराजमान पिता तोहन लोगन में से हर एक जना के साथे ऐसने करी हैं। यदि तू अपनी भाई के दिल से क्षमा ना करबा तो। मती अध्याय 18 का 21 से 35 से एगो बाइबिल का हिस्सा।